विराजमान पूज्य भिक्षु संघ यस्त्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सिंह जी एवं मंच को चला रहे एडवोकेट एसपी स्वागत जी, उपस्थित सभी पत्रकार साथी, बंधु पत्रकार और एसपी क्राइम न्यूज चैनल से एवं सभी चैनलों का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मेरे से पूर्व जितने वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा है, शायद सभी वक्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व माननीय काशी राम जी को याद किया है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में जो विषय वस्तु रखी गई है, साथियों, चाहे वह भीमापुरे गांव की घटना हो या देश में बढ़ती आरएसएस बीजेपी के गुंडों के कारण बहुजन समाज हमारा प्रताड़ित होता हो। साथियों, तीसरा मुद्दा हमारा ये है आपका यस्त्री का विस्तार। मैं भाई लाखन सिंह को सबसे पहले विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपका गेट पसीना बहेगा तो नीर का खून बहेगा। साथियों, बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो सबसे पहले अगर कहीं जरूरत पड़ेगी कुर्बानी देने के लिए तो नीर तैयार है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मुझे बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार करना है, तथा अगर हम अनुसरण करते हैं तो भिक्षु संघ से मैं निवेदन करूंगा, हे भिक्षु संघ, आप लोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो भी दिशा निर्देश देंगे उसके लिए पद पर है। साथियों, बिना सत्ता के कुछ होने वाला नहीं है, मेरे पूर्व देवताओं ने इस बात का जिक्र किया है। साथियों, ये सत्य है, 1995 में भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बैंक कुमारी मायावती के हाथों में सत्ता आया, एक मंदिर नहीं बनाया उन्होंने, सिख धर्म का प्रचार नहीं किया, ईसाई का भी किया, उन्होंने बौद्ध धर्म का काम किया है। मेरे साथियों, विद्वान साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों की बात को सोचना पड़ेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के गद्दारों ने जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ में रह करके एमपी एमएलए मंत्री बने, उन बेहूदों के कारण बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता नाम हुए हैं। लेकिन साथियों, आप लोगों को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बैंक से सीख लेना पड़ेगा और भिक्षु संघ के साथ में रह करके उपासक बनना पड़ेगा। साथियों, आप लोगों ने देखा कि आरएसएस के लोगों ने कितने हमारे महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी, ये किसकी देन है? हमारे समाज के लोग सामाजिक संगठन की बात करते हैं, लानत है, लानत है, लानत है। आप लोगों को सत्ता हासिल करना पड़ेगा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, सम्राट अशोक जैसे राजा पैदा करना पड़ेगा, बहन जी जैसे सैनिक पैदा करना पड़ेगा, और यहाँ पे बैठा हमारे एक एक भाई नेता बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। बिना नेता बने हमारे समय का कल्याण नहीं हो सकता। जिसको मेरी बात अगर कड़वी लगती हो तो वो मेरे से क्वेश्चन कह सकता है, मैं आप में सबसे छोटा हूं और खुल के जवाब दूंगा। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी बातों को शॉर्टकट में रखने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, लास्ट में आप लोगों का धन्यवाद करूंगा और एक निवेदन के साथ में पूरे भिक्षु संघ के आदेशानुसार आप लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पाखंड से दूर करें। बौद्ध धर्म के बिना आपका कल्याण होने वाला नहीं है, और साथ ही साथ जब तक आप लोग सत्ता पे काबिज नहीं होंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। और मैं भाई लाखन सिंह से गुजारिश करूंगा कि आपका जो निर्णय होगा संगठन को बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, दिल्ली प्रदेश से दिन रात में आपके साथ में लगकर के काम करूंगा। और एक बात और मैं कहूंगा कि सहानपुर की घटना को लेकर के एक हमारा भाई जेल के अंदर है, उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। साथियों, चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने लिए नहीं बहुजन समाज के लिए जेल में है, उसे याद कराना पड़ेगा। इस पे आप लोग जो दिशा निर्देश लेंगे
साथियों,